हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड काउंसलिंग 2023-24 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया और किसको किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, किस किस राउंड की तिथि घोषित हो चुकी है, क्या कम नंबर वालों को भी मौका मिलेगा, इससे रिलेटेड संबंधित सभी जानकारियों के लिए, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी का निराकरण हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2023 जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका था, जून माह में रिजल्ट भी जारी हो चुका था। इसकी कंडक्टेड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अर्थात बीयू झांसी ने इसमें टू ईयर कंबाइंड यूपी बीएड जेईई ज्वाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-25 का शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग डेट से रिलेटेड जानकारी को। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चेक करा लेते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 10 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी 15/5/2023 थी और लेट फीस के साथ 20 तारीख तक समय दिया गया था। एग्जाम जो आपका हुआ था वो 15 जून 2023 को हुआ था और एडमिट कार्ड जो हुआ था आपका जारी वो 5 जून को ही जारी हो गया था। रिजल्ट की डिक्लेरेशन की बात करें तो 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, लेकिन अभी तक काउंसलिंग इसलिए नहीं हो पा रही थी कि बहुत सारे एग्जाम्स थे, उनके सारे डिटेल्स को अपडेट करना था वेबसाइट पर, इसलिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स के बारे के बाद के लिए सारी चीज़ों को प्रक्रिया को रोक करके रखा हुआ था। अभी इसके पास जैसे ही टाइम मिला है कंडक्टर यूनिवर्सिटी के पास, उसने तुरंत काउंसलिंग डेट स्टार्ट कर दिया है। 15 सितंबर 2023 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर 2023 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। इस बार बीएड में बीटीसी और बीएड की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ था, जो क्लियर हो गया है, इसलिए बीएड में बहुत कम सीटें होने के बावजूद भी बच्चे कम हो पा रहे हैं, संख्या ज़्यादा है सीटों की, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से प्रवेश मिल रहा है, इसलिए कम नंबर वालों को भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाई नंबर्स वाले थे, वे बीटीसी करने के लिए चले गए अर्थात डीएलएड करने के लिए चले जा रहे हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो दो ऑप्शन में वो एक ही ऑप्शन चुन पाएंगे रेगुलर के लिए। इसलिए दोस्तों बीएड में आप ये समझ लें कि आपका कम नंबर है तो भी आपको ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन अच्छे खासे नंबर्स वाले को ही गवर्नमेंट कॉलेज अलाट होगा, क्योंकि सीटों की संख्या आपको पता है कि सीमित है। इसलिए ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे, आपको बता दें कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर 2023 से। अलग अलग डेट जारी करता रहेगा यूनिवर्सिटी, किस तरह से उसको प्रक्रिया देनी है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, किस माध्यम से सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद पुल काउंसलिंग भी कराई जाएगी, इसकी भी जानकारी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे वीडियो में बने रहा करें, किसी प्रकार की क्वेरी होने पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आपकी कोई क्वेरी रह गई है कि कौन से राउंड की काउंसलिंग चल रही है, कैसे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है, या आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, या कौन कौन से सेमेस्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसकी भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर भी पा सकते हैं, वहां से भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहा करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।